या भला हो तेरा। ये आपके लिए स्पेशल मीठा पान। पान? इतनी रात को तुझे पान कहाँ से मिला? वो मेरे अपने सोर्सेज है विमला। विमला? विमला। और ये आपके लिए बिना सुपारी वाला। दादाजी ये आपके लिए स्पेशल पान। अरे वाह, अच्छा। परफेक्ट। मेरा कुछ जरूरत से ज्यादा मीठा है। अगली बार ध्यान रखूंगा। चाहिए क्या? नहीं दादाजी, वो मैं तो ठीक। अरे भाई निशा, तो उस गाय हुए 5,000 रुपए का क्या करें? हाँ तो आप बोलिए ना, 5,000 रुपए के लिए आपकी कोई छोटी मोटी बातें मान लूंगी मैं, और वैसे भी बड़ी रकम तो मैंने आपको दे ही दिया। हाँ भाई, ये बात तो सही है कि तुम लोगों ने 40,000 रुपए ला के मुझे दे दी थी, लेकिन बाकी रकम का क्या होगा? वो बाकी शर्त ये है कि तुम सब लोग मिल करके डोली की शादी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करोगे। लेकिन दादाजी वो तो हम वैसे भी करने वाले थे। हाँ, लेकिन इस बार सब मिलकर करोगे ना। और कीर्ति, तुम निशार ज्वाला के साथ मिल करके बारात के स्वागत की तैयारियां करोगी, ठीक है? और सुकेतु? जी दादाजी। तुम उमेश का हाथ बटाओगे। बिल्कुल दादाजी। बट वाई दादाजी, गेस्ट को वेलकम करने की जिम्मेदारी तो सिर्फ मेरी थी ना, और इतनी जल्दी निशो और ज्वाला को डांस कौन सिखाएगा? क्या डांस? कीर्ति, तू तो डंडे को भी डांस करवा सकती है। तो ये तो निशो और ज्वाला है, एक दिन में सिखा देगी बेटा तू। ब्रो गैरव, डांस? दादाजी कुछ और काम दीजिए ना, ये डांस वांस मुझसे नहीं होता। ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम्हारी माँ जो शादी कपड़े लाई है उन्हीं कपड़ों को पहन के शादी में शामिल होना। घाघरा चोली दुपट्टा और ऊपर से डांस, और वो भी मैं। हाँ, वादा किया था ना तुमने कि 5,000 रुपए के बदले तुम मेरा छोटा मोटा काम कर दोगी। हाँ तो छोटी मोटी बातें बोली थी ना मैंने। कहाँ गए वो 5,000? निशु पहन लेना, लहंगा ही तो है और शादी का माहौल है बेटा। देख घर की पूजा में तो कुछ भी पहनती है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है माँ, मुझे ऐसे तामझाम वाले कपड़े नहीं पसंद है। मंडी, क्या हो रहा है? सॉरी दादाजी। बंद करो इसे, उठाओ। और सुनो, शादी में कोई इस तरह की शरारत नहीं होगी, और दूसरे बच्चे अगर शरारत करें उन्हें रोकना होगा, ठीक है? ठीक है दादाजी। उठाओ चलो। दादाजी एक सेकंड। दादाजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोल। दादाजी वो आपने सही डाटा बंटी को, इसको शादी में बिल्कुल भी शरारत नहीं करनी चाहिए, बाकी बच्चों को रोकना चाहिए। दादाजी वो निशु को लहंगा पहनने के लिए मैं मना सकता हूँ, पर मेरी एक रिक्वेस्ट आपके पास बहुत टाइम से सरकारी फाइल की तरफ पेंडिंग पड़ी हुई है। वो तो अच्छा, वो तेरी मोटरसाइकिल वाली ना। पर दादाजी ये सब मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, शादी का माहौल है, सर पे इतनी टेंशन, और छोटे मोटे काम तो निकल जाते हैं ना। आज ही देख लो, अभी मुझे पान लेके जाने के लिए इतनी दूर मार्केट तक पैदल चलना पड़ा। ये तेरे 20 रुपए के पान के लिए मैं तुझको 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल लेके दूँ? नहीं दादाजी। सुकेतु, तो लड़का तो बहुत अच्छा है। थैंक यू दादाजी। लेकिन जब औरों को फिक्र करता है ना तो अच्छा नहीं लगता। अब अगर तेरे हाथ मोटरसाइकिल आ गई तो तू क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा इम्तान के परिजय खरीदने के लिए मोटरसाइकिल में जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तू निशा को लहंगा पहना दे और उससे वेलकम डांस करवा दे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है? यार ये सिंगम को सब कैसे पता चल जाता है? नजर
नजाकत होनी चाहिए। और निशु बॉडी लैंग्वेज फुल टू कातिल, दिखाता हूँ ये देख। ऐसे समझी, जब कोई बुलाए ना निशु तो ये झल्लियों की तरह मत मुड़ जाइयो, ठीक है? ध्यान से देख कैसे मुड़ना है, स्टाइल में एकदम देखना। बस यार सुकू बहुत हो गया, ये ड्रामे मुझसे नहीं होते। सुखी तो भैया निशु दी को तंग मत करो। अबे ओ बंटी तू निकल यहां से, बाहर जाके खेल। चुप रह। अरे निशु मेरे से भी कहां होता यार ये सब। पर ये देखना, इसको पहन के अपने आप ही हॉटनेस आ जाती है। और लेसन नंबर टू, कैसे बनाए इन बदतमीज चुनियों को अपना BFF, यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। ये देख ये चुनिया बहुत ही बदतमीज होती है निशु, इन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल। देखिए ना ऐसे संभालते। अरे निशु पहन लिया तूने? सुकु ये क्या है, उतार इसे, पागल हो गया है, खराब हो जाएगा, अभी होता है। अरे माँ मैं तो बस ये निशु को मना रहा था कि ये लहंगा पहन ले, ये देखो इसके फोटो भी निकाल के लेके आया हूँ। ये निशु तूने देखा ये फोटो कितना सुंदर है, कितनी सुंदर लग रही है तू लहंगे में। छी सुंदर, ये नीले पीले कपड़ों में बंदर लग रही हूँ मैं। मैं कहूँ इस फोटो में? बंटी तू तब पैदा नहीं हुआ था, जा जाके देख पापा क्या कर रहे हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे भगाते रहते। सुकेतु भैया और निशु दे के बचपन में मेरी फोटो भी नहीं खींची। मैं जा रहा हूँ और पापा को शिकायत भी कर दूंगा। निशु देख इतना सुंदर लहंगा है और शादी का माहौल है बेटा। माँ गर्मी भी तो बहुत है ना, और ये जरी वरी वाले कपड़े कितने चुपते हैं। माँ शादी वाले घर में लहंगा पहनकर मैं भागा दौड़ी कैसे करूंगी? अरे मैं करूंगा ना निशु भागा दौड़ी, तू मत करियो ना, तू आराम से बैठी हो ना राजकुमारी की तरह। प्लीज मान जा यार प्लीज। देख सुकु तू ना मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। आई एम सो श्योर कि दादाजी के साथ मिलकर तूने कोई डील करा की। कब से लगा हुआ है पहन ले पहन ले पहन ले, नहीं पहना यार। निशु लहंगा नहीं पहनेगी तो क्या पहनेगी बेटा? डेनिम जींस और कुर्ता। तो एक काम करियो ना, ये मूछे होती ना ये भी लगा लियो और ये पगड़ी भी पहन लियो चौकीदारों की तरह। सुकु तो तंग मत क्या कर उसे। माफ कर यार मैं ये तामझाम नहीं पहन सकती, समझा? निशु बेटा बात तो सुन। ए बेटा एक बार ट्राई कर लेना। पापा प्लीज। देख बेटा एक बार पहन ले, फिर अच्छा ना लगे तो मना कर देना, मैं संभाल लूंगा। मैं नहीं पहनूंगा। देख निशु तू मेरा हैप्पी वाला गाना है ना, मेरे खातिर एक बार प्लीज। ठीक है लेकिन सिर्फ कोशिश करूंगी। ओके 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 चल 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 वरना रिहर्सल के लिए लेट हो जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखा बच्चों को हैंडल करना मुझसे सीखो। थैंक यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।